Hello and welcome to Unacademy Studio Rise. My name is Pratik Nayak and I welcome you all on the largest YouTube platform that is available for the UPSC Civil Service Preparation, that is a Studio Rise channel. Namaskar dosto, mera naam Pratik Nayak hai, aap sabka swagat hai Studio Rise ke channel ke upar. Main aur mere team members aapke liye behtareen se behtareen course content leke aa rahe hai, daily aapke liye lectures leke aa rahe hai. And as a part of our continuation of lecture series on art and culture and NCRT, फिर से हम लोग आज के सेशन के अंदर डिस्कस कर रहे हैं. खैर, हमने प्रीवियस क्लासेस के अंदर बहुत सारे टॉपिक्स को डिस्कस किया था और आर्ट एंड कल्चर जो बैकबोन बनता है यूपीएससी सिविल सर्विसेज के लिए. क्यों? क्योंकि प्रीलिम्स हो या मेंस हो, इवन इन द प्रीलिम्स और द मेंस एग्जामिनेशन, वी फाइंड दैट आर्ट एंड कल्चर के टॉपिक्स है वहां से बहुत बार आपको क्वेश्चंस मिलते रहे हैं. और जब हम लोग प्रीलिम्स और मेंस की बात करते हैं तो ये दोनों प्रकार के सब्जेक्ट्स आपको यहाँ पे भी मिलेंगे आर्ट एंड कल्चर की जब हम लोग बात करेंगे. तो हमको पता होना चाहिए कि क्या क्या चीज़ें चल रही है. प्रीवियस क्लासेस के अंदर हमने आर्ट एंड कल्चर जब शुरू किया था तो मैंने आपको मिडिवल इंडिया का आर्किटेक्चर और आर्ट एंड कल्चर पढ़ाया था, और मैंने आपको मिडिवल इंडिया के अंदर दिल्ली सल्तनत और प्रोविंशियल आर्किटेक्चर के जो टॉपिक्स थे उसको ऑलरेडी डिटेल में पढ़ा दिए हैं. आज हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो मुगल आर्किटेक्चर को करेंगे, और मुगल आर्किटेक्चर के जो फीचर्स हैं हमने प्रीवियस क्लासेस के अंदर देख लिए थे. आज का हमारा जो सेशन होगा वहाँ पे रोल ऑफ किंग्स को देखा जाएगा. रोल ऑफ किंग्स का मतलब क्या है कि राजा क्या क्या रोल था व्हेन वी अंडरस्टैंड द केस ऑफ द आर्किटेक्चर एंड द आर्ट एंड कल्चर ऑफ मिडिवल इंडिया. ठीक है, तो कौन से राजा ने क्या क्या बनाया, कौन से किंग ने कौन सी प्रकार की बिल्डिंग्स बनाई हैं, उन सब को भी हम लोग आज के सेशन के अंदर देखने की कोशिश करते रहेंगे. तो बने रहिएगा मेरे साथ. जो जो स्टूडेंट्स अभी न्यूली जुड़े हैं ये प्लेटफॉर्म के ऊपर, उन सबको भी मैं वेलकम करता हूँ. जिन जिन स्टूडेंट्स को मेरे बारे में थोड़ा बहुत नहीं पता है उनको बता देता हूँ, मेरा नाम प्रतीक नायक है और पिछले 6 सालों से मैं ऑनलाइन और ऑफलाइन मॉड्यूल्स के अंदर नंबर एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को गाइड कर रहा हूँ. मेरी खुद की पर्सनल एक्सपीरियंस ये रही है ये एग्ज़ाम को लेके कि आपको इसका अप्रोच पता होना चाहिए, क्वेश्चंस कहाँ से बनते हैं, उसके बाद आप पढ़िएगा तो आपको ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगेगा. आर्किटेक्चर एक ऐसा टॉपिक है जो आपकी राजा या कोई भी डायनेस्टी होगी उसके मटेरियल अपनिंग को बताती है. वो दर्शाती है कि राजा कितना शक्तिशाली है, वो दर्शाती है कि आपका जो राजा है उसका पॉलिटिकल पावर कितना है और इकोनॉमिकली कितना साउंड है. तो ये सब कुछ चीज़ें आपको आर्किटेक्चर के द्वारा पता चलती है, और इसी के कारण हम लोग आज के सेशन के अंदर इंडियन आर्किटेक्चर के अंदर मिडिवल इंडिया का जो आर्किटेक्चर है उसी को ही समझने की कोशिश कर रहे हैं. हमने मिडिवल इंडिया के अंदर बहुत सारे टॉपिक्स को पढ़ लिया था, और जो जो स्टूडेंट्स अभी तक हमारे साथ जुड़ रहे हैं उन सबको मैं कहूँगा कि आप अनअकैडमी स्टूडियो राइज के साथ तो जुड़े ही हो, आप अनअकैडमी प्लस के ऊपर भी आ सकते हो. और अनअकैडमी प्लस की मैं बात करूंगा तो अनअकैडमी प्लस के ऊपर मेरा एंशियंट और मिडिवल इंडिया के ऊपर बहुत जल्दी कोर्स शुरू हो रहा है. मॉडर्न इंडिया के ऊपर मेरा कोर्स कंप्लीट हो गया है. एंशियंट एंड मिडिवल इंडिया का कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स मैं बहुत जल्द लॉन्च कर रहा हूँ, एंड इट विल बी लॉन्च इन द अर्ली वीक ऑफ दिसंबर, मतलब मिड दिसंबर से हम लोग प्लान कर रहे हैं. आपको डेट अपडेट हो जाएगी वेरी सून. ओके, कि कैसे आपको हिस्ट्री का आर्ट एंड कल्चर और एंशियंट मिडिवल को अप्रोच करना है, तो मैं कहूँगा आप अनअकैडमी प्लस के ऊपर जुड़िए. प्लस के ऊपर जुड़ने का एडवांटेज यही है कि मेरे अलावा आपको ऑल एजुकेटर्स या मैं कहूँगा मल्टीपल एजुकेटर्स के क्लासेस मिलेंगे, और एक ही एजुकेटर का अगर आपको टीचिंग मेथोडोलॉजी समझ में नहीं आता है तो दूसरे एजुकेटर्स की टीचिंग मेथोडोलॉजी को साथ लेके आप पढ़ सकते हो. तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी जब हम लोग आर्ट एंड कल्चर को या कोई भी सब्जेक्ट को पढ़े. पॉलिटी के मल्टीपल एजुकेटर्स मिलेंगे, हिस्ट्री के मल्टीपल एजुकेटर्स मिलेंगे, इकोनॉमिक्स के मल्टीपल एजुकेटर्स मिलेंगे. तो आपको वन सब्जेक्ट का एक्सेस नहीं है, आपको ऑल एजुकेटर्स ऑल सब्जेक्ट का एक्सेस है. अमेजोन और नेटफ्लिक्स की तरह है, एक बार आपने ज्वाइन कर दिया उसके बाद आप मल्टीपल एजुकेटर्स के सब्जेक्ट्स को वहाँ पर देख भी सकते हो, उनके क्लासेस को समझ भी सकते हो. खैर, प्लस का एक और एडवांटेज आपको ये मिलेगा कि आपको एनसीईआरटी से लेके टेस्ट सीरीज भी कंप्लीट हो जाएगी आपको वहाँ पे. प्लस आपको मल्टीपल मॉडल्स में अवेलेबल है 1 मंथ से लेके 24 मंथ तक. बट आई विल सजेस्ट कि अगर आप ज्वाइन करने का प्लान कर रहे हो तो यू ज्वाइन फॉर मिनिमम फॉर 12 मंथ और 24 मंथ, दोनों में से एक टाइम के ऊपर लीजिए. ऐसे 1 ईयर या 12 मंथ की जो फीस है वो 40,000 रुपीज़ है, बट अगर आपने मेरा कोड यूज़ किया PN लाइव यहाँ पे तो फीस विल कम बैक टू 36,000 रुपीज़, 3600 रुपये आपकी फ़ीस हो जाएगी. वैसे ही 2 ईयर्स की फ़ीस 64,000 है, यहाँ पे भी अगर आपने मेरा कोड PN लाइव यूज़ किया तो आपकी फ़ीस 57,600 हो जाएगी. सिमिलरली आप ऐप स्टोर के ऊपर जाओ, एप्लीकेशन को डाउनलोड करो, और डाउनलोड करने के बाद आपको मन चाहे तभी आप देख सकते हो. इंटरनेट की स्पीड में ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं होगा. इवन क्लास मिस भी हो गया है आपसे
तो आप वो क्लास को बाद में भी देख सकते हो, वैसा नहीं है, और इनफिनिट नंबर ऑफ टाइम्स देख पाओगे टिल द टाइम योर सब्सक्रिप्शन इज देयर। और अगर आपका सब्सक्रिप्शन खत्म हो गया और आपने सब्सक्रिप्शन को रिन्यू कराया तो फिर से आप रीवॉच कर पाओगे क्लासेस को, तो वो आपके लिए बहुत एडवांटेजेस होगा जब हम लोग आर्ट एंड कल्चर की या कोई भी सब्जेक्ट की बात करें जो काफी वो है ना ट्रिकी आता है। वन ईयर की फीस यहाँ पे भी 40,000 ही आपको दिखेगी, बट आप सब्सक्रिप्शन जब कर रहे हो तो मेरे कोड को यूज करिएगा PN Life, इट विल कम बैक टू 36,000 रुपीज। ये आपको मिनियंस की तरह थोड़ा खुश भी कर देगा। चलिए, हम लोग आर्किटेक्चर पढ़ रहे थे और मिडिवल इंडिया के अंदर विजुअल आर्ट की जब बात करते हैं तो विजुअल आर्ट की जब हम लोग देखते हैं कोशिश करते हैं समझने के लिए, तो मिडिवल इंडिया में विजुअल आर्ट को तीन पार्ट से डिवाइड करते हैं। आपका विजुअल आर्ट आर्किटेक्चर में, पेंटिंग में, स्कल्पचर में और पॉटरी में दिखता है। और एंशियंट हो या मिडिवल इंडिया हो, सब जगह पे आपको आर्किटेक्चर के अंदर आपको विजुअल आर्ट का बहुत इंपॉर्टेंस मिलेगा। मुगल आर्किटेक्चर को हमने प्रीवियस क्लासेस के अंदर पढ़ना शुरू किया था एंड एज अ पार्ट ऑफ कंटिन्यूस टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसेस आज का हमारा जो सेशन है वो भी मुगल आर्ट के ऊपर ही फोकस रहेगा। जब हम लोग मुगल आर्ट की बात करते हैं और मुगल आर्किटेक्चर की बात करते हैं तो मुगल आर्ट एंड आर्किटेक्चर की खासियत यह है कि इट डिसाइड्स उसकी जो पूरी की पूरी सेटअप है, उसका जो पूरा का पूरा फॉर्मेशन है वो आपको पता होना चाहिए। ये मुगल आर्किटेक्चर को हम लोग इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर भी कहते हैं और आपको यहाँ से मैक्सिमम क्वेश्चंस आते हैं इन द यूपीएससी प्रीलिम्स, इवन इन द मेंस एग्जामिनेशन एज वेल। मैं आपको बहुत कॉम्प्रिहेंसिव आर्ट एंड कल्चर करा रहा हूँ, होपफुली आपको ठीक लग रहा होगा ये आर्ट एंड कल्चर के जो भी टॉपिक्स को हम लोग यहाँ पढ़ रहे हैं। ये आर्ट एंड कल्चर की खासियत ही ये रही है कि जब हम लोग इसको डिटेल में देखते हैं तो हमको पता चलता है कि जब आपके इस्लामिक रूलर्स या इस्लामिक इन्फ्लुएंस बढ़ता है एज अ सोसाइटी के अंदर तो वो आपके आर्किटेक्चर में भी दिखेगा। जैसे दिल्ली सल्तनत के अंदर हमने पढ़ा था आर्क्यूएट, मीनार, मोर्टार, कैलीग्राफी, आरबेस्क्यू, जाली, वाटर बॉडी, वो सब मुगल्स के अंदर कंटिन्यू रहेगा, इट विल बी कंटिन्यूड इन द मुगल आर्किटेक्चर। और साथ साथ आपको जब हम लोग मुगल्स को देखते हैं तो अदर आर्ट का भी इनफैक्ट डेवलपमेंट होना शुरू हुआ। और जब हम लोग अदर आर्ट देखते हैं तो उसमें हमको देखने को मिला कि किस तरह से चारबाग आर्किटेक्चर, कैलीग्राफी, आरबेस्क्यू, जाली वर्क वो और भी एक्सपांड होता है। ये मैंने आपको जाली आर्किटेक्चर के बारे में बताया था, मैंने आपको आरबेस्क्यू के बारे में बता दिया था, तो मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें ऑलरेडी पढ़ा दी है। मुगल्स के अंदर मैंने आपको सबसे पहले बताया था कि चारबाग आर्किटेक्चर कौन लाता है, बाबर के समय पे, और बाबर ने जो बाबरनामा लिखा उसके अंदर भी इसका मेंशन किया है। इंक्लूडिंग जब हम लोग देखते हैं चारबाग के अंदर तो और भी किंग्स ने बनाए थे, जैसे अकबर, जहांगीर और शाहजहां ने भी चारबाग आर्किटेक्चर का यूज़ किया है एज अ पार्ट ऑफ आर्किटेक्चर, आपको पता होना चाहिए, और काफ़ी बेहतरीन तरह से उसने करने की कोशिश की। दूसरा, इन्होंने जो टोम्ब बनाए, टोम्ब का मतलब क्या है, जो गुंबज बनाए, वो भी इनफैक्ट अगर आप देखोगे तो आपको चारबाग आर्किटेक्चर के आजू बाजू में ही देखने को मिलते रहते हैं। दूसरा, मुगल आर्किटेक्चर की खासियत ये थी कि वहाँ पर क्रॉस फर्टिलाइजेशन हुआ आर्किटेक्चर में, और बहुत सारी जो इंडियन इन्फ्लुएंस है वो इंडियन इन्फ्लुएंस मुगल आर्किटेक्चर के अंदर भी हमको देखने को मिली। जैसे कि मथुरा के आजू बाजू वाले जो टेम्पल है वो फतेहपुर सीकरी जो अकबर ने बनाया था उसके साथ आपको काफ़ी सिमिलर दिखेंगे। ये सब चीज़ें भी दर्शाती है कि मुगल्स का इंडियन आर्किटेक्चर और इंडियंस का मुगल आर्किटेक्चर के ऊपर क्या इम्पैक्ट रहा। विल ऑल्सो फाइंड कि बंगाल के अंदर जो बांग्ला डोम आर्किटेक्चर का डेवलपमेंट हुआ था, कौन सा, बांग्ला डोम आर्किटेक्चर का डेवलपमेंट हुआ था, वो बांग्ला डोम आर्किटेक्चर भी आपको कहीं ना कहीं मुगल्स के अंदर देखने को मिलता रहता है। तो पहला पॉइंट तो आपको मुगल्स का क्लियर हो जाना चाहिए कि क्या हुआ। हमने मुगल्स की लेगेसी जब पढ़नी शुरू की तो सबसे पहले बाबर का देखा। बाबर 1526 से लेकर 1530 तक पावर में रहा, और इस दौरान जब बाबर की हम लोग बात करते हैं तो बाबर पॉलिटिकली बहुत ही, मैं कहूँगा कि फाइट कर रहा था, उसके एक कॉन्स्टेंट कन्फ्लिक्ट चलते थे, इसके लिए आर्किटेक्चर में कुछ ज़्यादा वो है ना कि कंट्रीब्यूट नहीं कर पाया, सिवाय के पानीपत के अंदर उसने एक मॉस्क बनाई, और दूसरा रोहिलखंड नाम की जो जगह है वहाँ पर भी बाबर अपना कहीं ना कहीं एक मॉस्क बनाने के बाद अपना कॉन्ट्रीब्यूशन छोड़ के जाएगा। तो पहला पॉइंट आपको बाबर का पता होना चाहिए। बाबर के बाद जब हम लोग मुगल आर्किटेक्चर को देखते हैं तो हमको हुमायूं के दौरान पता चला। हुमायूं ने एक सिटी बनाया था दिन पनाह, ये सिटी बनाने की शुरुआत की थी बट हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच में लड़ाई हो जाती है। और मैंने आपको हुमायूं के बारे में बताया था कि हुमायूं 1530 से लेके 1540 तक पावर के ऊपर रहता है,
एंड ड्यूरिंग दिस टाइम वो 10 साल तक कॉन्स्टेंटली शेरशाह सूरी के साथ फाइट कर रहा था, और इसी के कारण 1540 ऑनवर्ड से लेके 1555 तक आते आते ये सूरी डायनेस्टी दिल्ली के ऊपर रहती है। ये सूरी लोग अपना नया प्रकार का आर्किटेक्चर बनाएंगे जिसे हम लोग पठान आर्किटेक्चर भी कहते हैं, याद रखेगा। ये पठान आर्किटेक्चर इसके लिए कहा जाता है, जब हम लोग ये सूरी की बात करते हैं तो ये पठान आर्किटेक्चर इसके लिए कहा जाता है क्योंकि इन्होंने जो ओरिजिन था वो पठान था। दिल्ली के ऊपर दो ही पठान डायनेस्टी आई है पावर के ऊपर, बाय द वे। एक पठान डायनेस्टी जो पावर के ऊपर आई है वो है आपकी द लोधी डायनेस्टी, और दूसरी पठान डायनेस्टी जो दिल्ली के ऊपर पावर के ऊपर आती है वो है आपकी सूरी डायनेस्टी। उसके सिवाय दिल्ली के अंदर आपको कोई भी आपको डायनेस्टी ऐसी नहीं दिखेगी जो पठान्स के रूप में पावर के ऊपर आएंगे। पहला पॉइंट आपको ये क्लियर हो जाना चाहिए। दूसरा पॉइंट, जब हम लोग इनकी बात करते हैं शेरशाह सूरी की, तो उसने पाकिस्तान के अंदर रोहतास फोर्ट बनाया है, ये पेशावर के पास कहीं पे है, तो आपको समय मिले तो जाइएगा। बाय द वे ये भी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, बाय द वे ये रोहतास फोर्ट जो है दैट इज ऑल्सो द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। शेरशाह सूरी 1530 से 1540 से लेके 1545 तक ज़्यादातर पावर के ऊपर नहीं रहेगा, वो 5 साल ही रहेगा, और उसके बाद उसकी सूरी डायनेस्टी के और भी किंग्स हैं जो 1555 तक रहते हैं। और ये शेरशाह सूरी एक मस्जिद बनाता है जिसका नाम है शेरशाह सूरी मस्जिद, पटना के अंदर है, वो भी एक अलग प्रकार की मस्जिद थी। इंक्लूडिंग वो एक सड़क ए आज़म बनाता है, द ग्रेट रोड कहते हैं, जो कनेक्ट करती है पेशावर से लेके सोनारगांव तक। कहाँ पे कनेक्ट करती है याद रखेगा, इट कनेक्ट्स द पेशावर टू सोनारगांव। ये सोनारगांव कौन सी जगह है बाय द वे, तो सोनारगांव इज इन बंगाल। और जब हम लोग इनकी बात करते हैं, आर्किटेक्चर के रूप में या कंट्रीब्यूटर के रूप में, तो बहुत इनका सिग्निफिकेंस होता है। मैं आपको ये सोनारगांव का इंपॉर्टेंस इसके लिए बता रहा हूँ क्योंकि सोनारगांव एक ऐसी जगह है जहां पे पेशावर का कनेक्टिविटी सबसे पहले दिया था चंद्रगुप्त मौर्य ने। किसने दिया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने। तो पहला पॉइंट आपको यह पता होना चाहिए कि इनका कंट्रीब्यूशन क्या रहा इन द फॉर्म ऑफ आर्ट एंड कल्चर एंड आर्किटेक्चर, हेडिंग में पॉइंट। दूसरा, जब इसने जब सड़कें बनाई तो सड़क के बीच में रेस्ट हाउसेज बनाए। ये रेस्ट हाउसेज को हम लोग सराई कहते हैं। क्या कहते हैं? सराई। सराई आर द रेस्ट हाउसेज। और शेरशाह सूरी काफ़ी स्मार्ट था, जब हम लोग आर्किटेक्चर की बात करते हैं तो उसने हिंदूज और मुस्लिम्स के लिए अलग अलग प्रकार की सराई बनाई थी। ये जब एक रास्ता चलता था तो रास्ते के बीच में हर छोटे छोटे इंटरवल के ऊपर आपको एक सराई मिल जाएगी। फायदा ये होता था कि पहले के टाइम के अंदर आपकी हाईवे की रेस्टोरेंट्स, होटल्स, ढाबा, मुरथल वाली जो जगह है वो सब नहीं हुआ करती थी, और इसके कारण आपको इस प्रकार की डिज़ाइंस और आपको इस प्रकार की जो है ना सिस्टम मिलेगी इन द फॉर्म ऑफ सराई। शेरशाह सूरी का खुद का मकबरा भी है। कहाँ पे है याद रखेगा? तो ससाराम के अंदर है। ससाराम बाय द वे इज लोकेटेड इन बिहार, एक जगह है, और इसकी भी आपको एक अपना खुद का ही इम्पोर्टेंस मिलेगा। बाय द वे शेरशाह सूरी गन पाउडर ब्लास्ट होने के बाद उसका मृत्यु हो जाता है, तो बहुत ही शॉर्ट लाइफ के लिए वो सुल्तान या मैं कहूँगा शहंशाह हिंदुस्तान रहेगा। और उसने मुगल्स को काफ़ी अच्छा चैलेंज किया था, हुमायूं जैसे राजा को चैलेंज करने वाला मैं कह सकता हूँ कि अफगान रूलर था, जिसका एक मैं कहूँगा कि बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन इंडिया की हिस्ट्री के ऊपर रहता है। ये शेरशाह सूरी की जब हम लोग बात करेंगे तो सूरी के अंदर आपको पहले तो इतना पॉइंट पता होना चाहिए कि ये सूरी का कॉन्ट्रीब्यूशन किस तरह से चलता है इंडिया की हिस्ट्री में। बाय द वे ये रहा उसका शेरशाह सूरी का मकबरा, और ये जो मकबरा था ये मकबरा बिहार के अंदर है। यहाँ पे भी आपको वाटर बॉडी दिखेगी, और यहाँ पे आपको थोड़ा बहुत दिल्ली सल्तनत के जो किंग्स थे उनका इन्फ्लुएंस ज़्यादा मिलता है आर्किटेक्चर के ऊपर। तो इस तरह से सूरी के बारे में आपको इतना पॉइंट पता होना चाहिए। ये शेरशाह सूरी जब उसका डेथ हुआ उसके बाद सूरी डायनेस्टी थोड़ी कमज़ोर हुई। इन द ईयर 1555 1555 के आसपास की बात है, और हुमायूं वापस दिल्ली की गद्दी के ऊपर आ गया, आगरा दिल्ली की गद्दी के ऊपर आ गया। और कहते हैं कि हुमायूं को ईरान के राजा ने मदद की थी टू कैप्चर द पावर, और हुमायूं सोच रहा था कि मैं फिर से कुछ नया आर्किटेक्चर बनाऊं। उसके पहले ही हुमायूं लाइब्रेरी की सीढ़ी के ऊपर से एक दिन गिर गया, तो उसका डेथ हो जाता। ये हुमायूं और शेरशाह सूरी के बारे में एक पॉइंट याद रखेगा,
कि हुमायूं ने एक सिटी बनाने की शुरुआत की थी जिसका नाम था दिनपनहा। अगर आपको दिख रहा होगा, हुमायूं ने एक सिटी बनाने की शुरुआत की थी जिसका नाम था दिनपनहा। उसी तौर के ऊपर याद रखेगा, शेरशाह सूरी वही सिटी का नाम चेंज करेगा और शेरशाह सूरी वो सिटी का नाम देगा दिल्ली शेरशाही। क्या कहता है? दिल्ली शेरशाही, याद रखेगा। हुमायूं जिसे दिनपनहा कहता था, ये उसको दिल्ली शेरशाही के नाम से भी पहचाना जाता है। ठीक है, तो आपको इतना पॉइंट हुमायूं और शेरशाह सूरी के अंदर आर्किटेक्चर में पता होना चाहिए। हुमायूं के बाद यूलसी सूरी आया, सूरी के बाद फिर हुमायूं आया। हुमायूं का मृत्यु हुआ, लाइब्रेरी से गिर गया। सेकंड पानीपत की लड़ाई हुई, अगर आपको जानकारी होगी 1556 में सेकंड पानीपत की लड़ाई होती है बिटवीन हेमू विक्रमादित्य, जो मूलभूत रूप से सूरी का सेनापति भी था और एक मैं कहूंगा राजपूत किंग भी था, और उसके सामने अगर आप देखेगा तो हुमायूं का ट्रस्टेड लेफ्टिनेंट बैरम खान, जो रीजेंट हुआ करता था, अकबर का गार्जियन हुआ करता था, वो फाइट करने की शुरुआत करता है। और इन सब के बीच में फाइटिंग हुई इन द सेकेंड पानीपत। याद रखेगा कि लड़ाई होती है किसके बीच में होती है लड़ाई, तो यू विल फाइंड इन द सेकेंड पानीपत वी फाइंड द फाइट बिटवीन, ये चल नहीं रहा है, वी फाइंड द फाइट बिटवीन द सूरी सेनापति एंड बहरम खान। एंड इन बिटवीन दिस फाइट इट वॉज फेल्ट दैट इट वॉज कंक्लूडेड दैट द सूरी इज लॉस्ट, हेमू विक्रमादित्य लॉस्ट, और उसके बाद बैरम खान पावर के ऊपर आया। अब बैरम मूलभूत रूप से रीजेंट था। बैरम खान कौन था याद रखेगा, तो बैरम वॉज जस्ट रीजेंट। रीजेंट समझ में आता है कि उसको टेम्पररी एक गार्जियन के रूप में पावर दिया था, और उसके बाद धीरे 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 अकबर ने पावर को कैप्चर किया और अकबर के टाइम से आर्किटेक्चर एक अलग ही प्रकार से डिजाइन होना शुरू हो गया। अब अकबर के आर्किटेक्चर की क्या खासियत थी उसको एक एक करके समझाने की कोशिश करता हूँ। अब देखिए, अकबर को एज ए रूलर थोड़ा बहुत समझोगे तो उसका कल्चरल पार्ट समझाता हूँ। अकबर पहले से ही सूफियों के प्रभाव में आया हुआ बंदा था। He came under the influence of the Sufis. दूसरा, उसका जन्म यहाँ सिंध में हुआ था। His birth took place in the Sindh region. जब हुमायूं भाग गया था उसके बाद की बात है, हाजी बेगन के साथ उसने जब शादी किया तब की बात है। और कहते हैं कि अकबर बिकॉज ऑफ द सूफी इन्फ्लुएंस उसका जो वो मैं कहूँगा कि जो थॉट है काफ़ी मॉडरेट रहता है कंपेयर टू द अदर किंग्स, और उसका जो मॉडरेट थॉट है वो आर्ट एंड कल्चर और आर्किटेक्चर के ऊपर भी देखने को मिलेगा। जब हमने अकबर के आर्किटेक्चर की बात की तो अकबर के आर्किटेक्चर में अगर आप देखेगा तो रेड सैंडस्टोन के तो यूज हुआ ही है, इंक्लूडिंग आपको थोड़ा बहुत मार्बल का भी यूज देखने को मिल जाएगा। दूसरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, अकबर के दौरान एक नया प्रकार का आर्च की शुरुआत हुआ जिसे हम लोग कहते हैं ट्यूडोर आर्च। अब मैंने आपको इसके पहले आर्क्यूएट स्टाइल बढ़ाया था, और आर्क्यूएट स्टाइल के अंदर जब हमने पढ़ा तो सबसे पहले आया था कॉर्बेल्ड आर्च। अगर आपको याद होगा सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था, कॉर्बेल्ड आर्च। कॉर्बेल्ड आर्च कैसा आर्च होता है अगर आपको याद करो तो कॉर्बेल्ड आर्च इज नोन एज दैट काइंड ऑफ आर्च जो प्रिसाइसली आपकी जो आर्किटेक्चर है वहां पे आपको एक अलग प्रकार की डिजाइन देता है। कॉर्बेल्ड आर्च के बाद हमने जो दूसरा आर्च का प्रकार पढ़ा था वो कौन सा था अगर आप याद करोगे तो वो था ट्रू आर्च। अगर आपको याद होगा वो कौन सा था, ट्रू आर्च, और मैंने आपको ट्रू आर्च के बारे में भी बताया था। अकबर के तक आते आते आपका ट्यूडर आर्च आता है, और यहाँ पे फोर सेंटर्ड आर्च की शुरुआत होगी। फोर सेंटर्ड का मतलब है कि यू 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 इस तरह से आपको डिजाइन मिलेगी, जलेबी टाइप हम लोग कह सकते हैं काइंड ऑफ, और इसके लिए अकबर का आर्किटेक्चर थोड़ा अलग हो गया। अकबर के आर्किटेक्चर के दौरान बहुत सारे मॉन्यूमेंट्स बने। ये मॉन्यूमेंट्स को एक एक करके आपको समझाने की कोशिश करता हूं। अकबर के दौरान सबसे पहला मॉन्यूमेंट बना, उसके दौरान मतलब इन द इनिशियल फेसेस, वो था आपका आगरा का फोर्ट, आगरा का किला। आगरा का फोर्ट रेड सैंडस्टोन से बनाने वाला मॉन्यूमेंट था जो मुगल्स के अंदर काफी बेहतरीन तरह से बनता है, क्योंकि अकबर के पास काफी टाइम था, अकबर के पास काफी पैसा था। अगर आपको जानकारी होगी तो अकबर स्टेड इन द मुगल सीट फ्रॉम 1556 टू 1605। अकबर मुगल्स की जब हम लोग बात करेंगे तो 1556 से लेके 1605 तक पावर के ऊपर रहता है।
एंड इन बिटवीन दिस पीरियड अकबर बहुत ही अलग अलग प्रकार के अफलातून मैं कहूँगा वैसे प्रकार के आपको आर्किटेक्चर बनाने की कोशिश करेगा। और इसी के कारण अकबर के दौरान आगरा का फोर्ट बना, पहला तो बहुत इंटरेस्टिंग केस आपको मिलेगा। ये आगरा का फोर्ट अकबर ने चालू किया था पर अंदर के कुछ कुछ मॉन्यूमेंट शाहजहां ने बनाए, समझे कि नहीं समझे। इंक्लूडिंग अकबर ने फतेहपुर सीकरी बनाया, सीकरी नाम की जगह है अगर आपको जानकारी होगी, एक नया सिटी बसाया है बाय द वे, दिस वॉज अ न्यू सिटी विच वॉज एस्टेब्लिश बाय अकबर। एंड विद इन फतेहपुर अकबर एस्टेब्लिश्ड मल्टीपल बिल्डिंग्स इंक्लूडिंग यू विल फाइंड हुमायूं का मकबरा भी अकबर के टाइम पे बनता है पर अकबर नहीं बनाता। द मकबरा ऑफ हुमायूं विल बी बिल्ट ड्यूरिंग द टाइम ऑफ अकबर बट इट वॉज नॉट अकबर हु कंस्ट्रक्टेड द हुमायूं टॉम्ब, याद रखेगा इतना एक, एक, आपको थोड़ा कैच दे रहा हूं। अकबर के दौरान ही एक और मीनार बनती है जिसका नाम है हिरन मीनार, क्या नाम है, हिरन मीनार। ये भी बहुत आपको इंटरेस्टिंग मॉन्यूमेंट के रूप में दिखेगा। एक एक करके फोटोग्राफ्स के द्वारा आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि कौन से मॉन्यूमेंट में क्या क्या चीजें मिलती हैं। सबसे पहले टोम्ब आर्किटेक्चर की बात करते हैं, और अकबर के दौरान जो वेरी फर्स्ट टोम्ब बनती है वो थी हुमायूं की टोम्ब। किसकी टोम्ब थी, हुमायूं, कैन यू सी दिस। हुमायूं की टोम्ब की खासियत यह है कि ये टोम्ब आपको एक डोम आर्किटेक्चर का इम्पैक्ट दे रहा है, और ये टोम्ब आर्किटेक्चर अगर आप देख पा रहे हो गए यहाँ पे, इट इज नोन एज प्रीकर्सर टू ताजमहल, इट इज नोन एज, मैं कहूंगा प्रीकर्सर टू ताजमहल है। प्रीकर्सर का मतलब क्या होता है कि वो ताजमहल के पहले बना, ये काफी अच्छा है, ये आपको ज्यादा समझ भी आता हो। ये एक ऐसा आर्किटेक्चर था जो ताजमहल के पहले ताजमहल के जैसे फीचर्स को रखता था, जैसे कि अगर आप देख पा रहे होगे तो आपको व्हाइट मार्बल प्लस रेड सैंडस्टोन, इन दोनों का आपको लिबरल यूज मिलेगा इन दिस आर्किटेक्चर। व्हाइट मार्बल प्लस रेड सैंडस्टोन, इन दोनों का लिबरल यूज मिलेगा इन दिस आर्किटेक्चर, पहला पॉइंट आपको ये पता होना चाहिए। दूसरा, आपको चार बाग आर्किटेक्चर इसके अंदर से मिलनी चाहिए। कौन सी चार बाग आर्किटेक्चर आपको मिलेगी यहां से, ये चार बाग आर्किटेक्चर तो मैंने आपको लास्ट क्लास के अंदर भी बताया था, बाबर के समय पे ही बनना शुरू हो गया था, तो ये भी आपको एक अलग प्रकार। इसके अंदर भी आपको वाटर बॉडी दिख रही है, अगर आप देख पा रहे होगे तो मैंने आपको नॉर्मल फीचर्स के अंदर बताया था कि ईच एंड एवरी आर्किटेक्चर स्टाइल उसमें कहीं ना कहीं वाटर बॉडी का यूज आपको मिलता रहेगा, तो आपको इन दिस आर्किटेक्चर वी फाइंड द यूजेस ऑफ वाटर बॉडी एज वेल, गेटिंग माय पॉइंट। साइमल्टेनियसली जब हम लोग मुगल आर्किटेक्चर की बात करेंगे तो हुमायूं का टोम्ब एक ऐसा सिंबॉलिक आर्किटेक्चर के रूप में उभर के आया जिसने फ्यूचर के अंदर जो मुगल मॉन्यूमेंट्स बनने थे उसको एक नई डायरेक्शन, उसको एक नई दिशा देने की शुरुआत की। समझ में आया आपको कि भाई व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द मुगल आर्ट एंड मुगल आर्किटेक्चर। आपको ये पॉइंट पहले मुगल्स के बारे में पता होना चाहिए, अकबर के दौरान इस प्रकार के आर्किटेक्चर और डिजाइन की शुरुआत हो जाती है। सबसे पहला पॉइंट, द फर्स्ट क्रक्स अबाउट अकबर एंड इज आर्किटेक्चर स्टाइल। ये हुमायूं का टोम्ब की खासियत यह है कि यहां पे एक सेंट्रल डोम है और बीच में आपके आठ कमरे हैं, देर आर एट रूम्स, जो बीच में एक हॉल को कनेक्ट करते हैं। ये एक बीच में एक हॉल है, अगर आप देख पा रहे होंगे एक हॉल को कनेक्ट किया जाता है, इफ यू कैन सी, ये हॉल को कनेक्ट करते हैं। और इस प्रकार की चीजों के द्वारा हमको समझ में आता है कि आर्किटेक्चर की स्टाइल और आर्किटेक्चर की डिजाइन में कितना आपको वो है ना कि चेंजेस और कितना आपको मल्टीपल वेरिएशंस मिलेगा। ये मुगल आर्किटेक्चर की ही खासियत थी, ये मुगल आर्किटेक्चर की ही खासियत थी जहां पे आपको ये पिस्ताक देखने को मिलता है। ये पिस्ताक का मतलब है एक टॉल गेटवे है जो कहीं ना कहीं अगर आप देखने की कोशिश करोगे तो आपके आर्किटेक्चर के मॉन्यूमेंट्स के गेट के ऊपर मिलेगा। आपको ये भी पॉइंट पता होना चाहिए, इंक्लूडिंग मैंने आपको बताया कि जो सेंट्रल हॉल है जो आठ कमरों के बीच में डिजाइन किया गया है उसको हस्तबिष्ट कहा गया था। क्या कहा गया था, हस्तबिष्ट। और जो एट रूम्स है जो हॉल के आजू बाजू में है उसको एट पैराडाइज का नाम से भी पहचाना गया है। तो कभी कभी आपको पूछेगा कि क्या चल रहा है, कौन से नाम से उसको पहचाना गया है, व्हाई इट इज बीइंग नेम्ड इन सच अ वे, तो आपको ये पॉइंट पता होना चाहिए कि उसका सिग्निफिकेंस क्या है और उसका क्या इंपॉर्टेंस आपको देखने को मिलता रहता है। ठीक है,
तो पहला पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा होपफुली, मैं आपको अकबर के आर्किटेक्चर में सबसे पहले हम लोग डिस्कस कर रहे थे वो थे आपका हुमायूं टॉम्ब जो दिल्ली के अंदर है। बाय द वे ये भी यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, याद रखेगा। मैं आपको पीछे बैकग्राउंड के अंदर यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट को भी करा रहा हूँ क्योंकि मेरा मानना यह है कि आप जितना यूनेस्को के साइट्स को पीछे इस तरह से हिस्ट्री में देखोगे उतना ही आपके लिए एडवांटेजेस होगा, सो दैट आप उसको अच्छी तरह से कंक्लूसिव वे में उसको समझ भी पाओ और आगे उसको कंटिन्यू भी करा पाओ। अकबर के बाद जब हम लोग अकबर के दौरान जो दूसरा मॉन्यूमेंट देखेंगे वो हमको मिलता है बहुत इंटरेस्टिंग, वो है आगरा फोर्ट। देखिए आगरा फोर्ट की जब हम लोग बात करते हैं तो आगरा फोर्ट के बारे में हमको बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें पता चलती हैं, और अकबर के दौरान हमको पता चलता है कि करीबन 8000 लेबर्स के आसपास ऐसे लोग थे जिन्होंने आगरा का किला बनाया था। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो कहते हैं कि 2000 स्टोन कटर्स थे, इंक्लूडिंग 2000 ऐसे लोग थे जो सीमेंट और लाइम मेकर्स का काम करते थे। मैंने आपको बताया था कि मुगल आर्किटेक्चर की खासियत ये है कि दो पत्थर के टुकड़ों को ज्वाइन करने के लिए आपको सीमेंट या मोर्टार का यूज होता था, और ये मोर्टार और जो सीमेंट है इसी का ही कामकाज कराने के लिए आपके जो मुगल किंग्स थे इन्होंने इसको इस प्रकार से डिजाइन कराया। इंक्लूडिंग अकबर के आर्किटेक्चर के अंदर हमको एक और चीज पता चलती है, वो है अदर रीजन्स का इम्पैक्ट। और फतेहपुर सीकरी एक ऐसी जगह है जहां पे आपको गुजरात और मालवा आर्किटेक्चर का भी इंपॉर्टेंस मिलता है। अकबर ने गुजरात के ऊपर जब जीत हासिल की तो यहाँ का जो स्थानिक आर्किटेक्चर था, रीजनल आर्किटेक्चर था, वो सब का सब आर्किटेक्चर अकबर वहां आगरा की तरफ लेके गया। उसी तौर के ऊपर अकबर ने जब मालवा के ऊपर जीत हासिल की तो मालवा का जो आर्किटेक्चर स्टाइल था वो भी वहां पे कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट कराने की कोशिश करेगा। तो हम लोग जब अकबर की बात करते हैं तो बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रकार के मॉन्यूमेंट्स अकबर के दौरान भी हमको मिलेंगे। ये अकबर ही था जिसने आगरा फोर्ट बनाया, और आगरा फोर्ट की जब हम लोग बात करते हैं तो ये आपका आगरा फोर्ट है, और यहां पे अगर आप देख पा रहे होगे तो इसके अंदर मल्टीपल बिल्डिंग्स जुड़े हुए हैं। वो कौन से मल्टीपल बिल्डिंग्स ये कॉम्प्लेक्स के अंदर आए हुए हैं तो मैं आपको बता देता हूं। ये मल्टीपल बिल्डिंग्स की जब हम लोग बात करते हैं तो आगरा फोर्ट के अंदर आपको दीवान आम मिलेगा, इसके अंदर आपको एक और मॉन्यूमेंट मिलेगा या बिल्डिंग बनेगा जिसका नाम है दीवान खास। ये दीवाने आम और दीवाने खास ऐसे मॉन्यूमेंट्स हुआ करते थे जो बनाए थे शाहजहां ने, मतलब ये फोर्ट या ये किला जो था वो बनाने वाला राजा अकबर था। पर अकबर के साथ साथ अगर आप देखोगे तो इसके अंदर का जो कामकाज है वो शाहजहां ने भी अच्छी तरह से बनाने की कोशिश की है। ये पॉइंट आपको पहले आर्किटेक्चर के अंदर पता होना चाहिए। दूसरा पॉइंट की जब हम लोग बात करेंगे तो अकबर के दौरान आपको जो दूसरा आर्किटेक्चर का स्टाइल मिलेगा आगरा फोर्ट के अंदर ही, वो आगरा फोर्ट के अंदर आपको एक मस्जिद मिलती है जिसका नाम है मोती मस्जिद। क्या नाम है? मोती मस्जिद। ये मोती मस्जिद तीन चार जगह पे है, एक आगरा फोर्ट के अंदर भी मोती मस्जिद आपको मिलेगी, विच वॉज बिल्ट ड्यूरिंग द टाइम ऑफ अकबर ओनली, ये भी अकबर के समय पे ही बनी थी, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है। तीसरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, अकबर के आगरा फोर्ट के अंदर आपको हरेम मिल जाएगा। हरेम एक ऐसी जगह हुआ करती थी, याद रखेगा, हरेम एक ऐसी जगह हुआ करती थी जहां पे मैं कहूंगा कि मुगल्स जब फाइट करते थे और वहां की जो लोकल एरिया है वहां की वुमेन को उठा के लेके आया करते थे और उनको वहां पे रखा जाता था। ये हरेम बनाने का मेन इंटेंशन यही था कि मुगल्स बहुत सारे किंग जो थे अकबर के समय से उसके पहले या उसके बाद, वो वुमेन का एक्सप्लॉयटेशन एट टाइम्स ये फिर हरेम के अंदर आपको देखने को मिलता रहेगा। इतना पॉइंट आपको आगरा फोर्ट के अंदर पता होना चाहिए।
By the way, Agra Fort is also the UNESCO World Heritage Site. तो इसकी बारे में भी आपको आगरा फोर्ट की थोड़ी बहुत डिटेल्स पता होनी चाहिए। उसके बाद अकबर ने फतेहपुर सीकरी बनाया, जो आगरा से 40 किलोमीटर दूर है। इट इज अराउंड 30 टू 40 किलोमीटर अवे फ्रॉम आगरा। फतेहपुर सीकरी के दो कारण बोले गए हैं इतिहास में। पहला कारण बोला गया है कि जब अकबर ने गुजरात और मालवा और डेक्कन के ऊपर जीत हासिल की, तो उसकी खुशी में फतेहपुर सीकरी बनाया। व्हेन अकबर कॉन्कर्ड ओवर गुजरात मालवा एंड डेक्कन टू कमेमोरेट द विक्ट्री ऑफ दैट एरियाज अकबर बिल्ट द फतेहपुर सीकरी। दूसरा कारण किसी ने कहा कि अकबर वॉज द फॉलोअर ऑफ सलीम चिश्ती, और सलीम चिश्ती वॉज अ सूफी सेंट, एंड बिकॉज अकबर वॉज अ फॉलोअर ऑफ सलीम चिश्ती, अकबर ने सलीम चिश्ती के आशीर्वाद के बाद जहांगीर को प्राप्त किया। अगर आपको जानकारी होगी तो जहांगीर वॉज द सन ऑफ अकबर, और जहांगीर का ओरिजिनल नेम सलीम ही हुआ करता था। क्यों सलीम था? क्योंकि अकबर जो सूफी सेंट को मानते थे, उनका भी नाम सलीम चिश्ती हुआ करता था। और कहते हैं कि बिकॉज अकबर यूज टू फॉलो सलीम चिश्ती एज द अकबर यूज टू फॉलो सलीम चिश्ती एज दी मेन सूफी, इसके लिए जब जहांगीर का जन्म हुआ, टू सेलिब्रेट द बर्थ ऑफ जहांगीर, अकबर विल बी मेकिंग द फतेहपुर सीकरी। याद रखेगा, कभी कभी क्वेश्चन आता है कि भाई ये क्यों बनाया था, ऐसा क्यों बनाया था, तो तीन चार प्रकार से आपको क्वेश्चन आने की शक्यता है। इस तरह से जब हम लोग अकबर की बात करेंगे, तो अकबर के दौरान इतना पॉइंट आपको पता होना चाहिए कि फतेहपुर सीकरी उसने बनाया। अब फतेहपुर सीकरी की खासियत क्या थी? तो फतेहपुर सीकरी के अंदर आपको गुजरात और लोकल आर्किटेक्चर का काफी इंपॉर्टेंस मिलेगा। और कहता है फतेहपुर सीकरी के अंदर बहुत सारे मॉन्यूमेंट्स आए हुए हैं। एक एक करके ये मॉन्यूमेंट्स को आपको समझाता हूं। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मॉन्यूमेंट्स ऑफ द फतेहपुर सीकरी इज द बुलंद दरवाजा। कौन सा है? बुलंद दरवाजा। बुलंद दरवाजा इज अ गेट, अगर आप देख रहे हो। और बुलंद का मतलब क्या है? एकदम सॉलिड स्ट्रॉन्ग होता है, उसको हम लोग बुलंद कहते हैं। बुलंद दरवाजा इज अ गेट विच वॉज बिल्ट बाय अकबर टू कमेमोरेट हिज विक्ट्री ओवर द डेक्कन एंड द गुजरात रीजन। और कहते हैं कि इसी के कारण, इफ यू सी द आर्किटेक्चर ऑफ द बुलंद दरवाजा, वी फाइंड द इम्पैक्ट ऑफ द लोकल आर्किटेक्चर ऑन द बुलंद दरवाजा। बुलंद दरवाजा के ऊपर आपका जो भी आर्किटेक्चर है, वो हमको कहीं ना कहीं लोकल आर्किटेक्चर का सिग्निफिकेंस भी दर्शाता है। उसके साथ साथ अकबर के फतेहपुर सीकरी के अंदर ही एक जगह आई हुई है, पंचमहल। ये जो पंचमहल करके जो जगह है, ये पंचमहल जगह की खासियत यह है, मॉन्यूमेंट है, ये 5 स्टोरीज है। और ये भी अगर आप देखोगे तो आपको कहीं ना कहीं पर्शियन इन्फ्लुएंस वाला आर्किटेक्चर दिखेगा। और कोई कहता है कि इसके अंदर आपको बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर का भी इंपैक्ट मिलता रहता है। तो ये भी आपको एक अलग प्रकार की आर्किटेक्चर की आपको कहीं ना कहीं इंपैक्ट, या मैं कह सकता हूं कि प्रभाव देने की कोशिश कर रहा है। ये अकबर ही था जिसके दौरान मैंने आपको बताया जो चारबाग पेंटिंग था, किसका था? बाबर का। याद आया आपको जो 1590 के अंदर बना था, बाबर का 1590 का पेंटिंग, वो इसके दौरान बनता है। और इसके कारण अकबर इस प्रकार की चीजें आर्किटेक्चर में लाने की कोशिश करेगा। इंक्लूडिंग फतेहपुर सीकरी के अंदर अकबर ने एक और बिल्डिंग बनाया था। लोग कहते हैं कि ये जो बिल्डिंग है उसका नाम है इबादत खाना। क्या नाम है बेटा? इबादत खाना। ये इबादत खाना की क्या खासियत है, याद रखेगा कि इट वॉज अ प्लेस वेयर द स्कॉलर्स ऑफ डिफरेंट रिलीजन यूज टू कम फ्रॉम डिस्कशन ऑन वेरियस इश्यूज। ये अकबर ने ही बनाया था। और ये इबादत खाना की खासियत ये थी कि यहां पे आपको मुस्लिम्स, यहां पे आपको हिंदू, यहां पे आपको जैन,
यहाँ पे आपको पारसी इंक्लूडिंग जब हम लोग अकबर की बात करेंगे, जब हम लोग अकबर की बात करेंगे तो इस दौरान जो यूरोपियंस आए हुए थे और खास करके पोर्चुगीज आए हुए थे, वो पोर्चुगीज क्रिश्चियन मिशनरीज भी इबादत खाना के अंदर डिस्कशन के लिए आया करते थे। इन सब की भी जानकारी हमको मिलती है बाय द अकबर आर्किटेक्चर, मतलब अकबर के दौरान जो आर्किटेक्चर बना उसके सौदा, ठीक है। तो आपको पहला पॉइंट समझ में आ गया कि किस किस प्रकार से अलग अलग प्रकार का जो आर्किटेक्चर बनता है, वो आर्किटेक्चर में आपका मल्टीपल जो वेरिएशंस था, वो वेरिएशंस अकबर के दौरान क्या मिला, इंक्लूडिंग फतेहपुर सीकरी के अंदर ही आपको सलीम चिश्ती का टॉम्ब भी मिलेगा। ये सलीम चिश्ती का टॉम्ब जो है उसकी खासियत यह है कि दिस टॉम्ब हैज बीन मेड फ्रॉम वाइट मार्बल, दिस टॉम्ब हैज बीन मेड फ्रॉम वाइट मार्बल एंड इट इज नोन फॉर द जाली आर्किटेक्चर, इट इज नोन फॉर द जाली आर्किटेक्चर। मैंने आपको बताया था कि ये जो जाली है, इट इज वन ऑफ द फाइनेस्ट जालीज दैट यू कैन सी इन द मुगल आर्किटेक्चर। अगर आप पीछे देख पा रहे होगे तो ये जो मॉन्यूमेंट है वो रेड सैंडस्टोन से है, बट ये जो सलीम चिश्ती का जो मकबरा है, जो टॉम्ब है, इट इज मेड आउट ऑफ वाइट मार्बल। वाई? बिकॉज अकबर यूज टू रिवर, ये उनके गुरु हुआ करते थे, ये पीर हुआ करते थे, चिश्ती सिलसिले के थे। आपने गाना होगा ख्वाजा मेरे ख्वाजा, अकबर वॉज अ सूफी, अ काइंड ऑफ इन्फ्लुएंस फ्रॉम द सूफी, डायरेक्टली सूफी नहीं था। तो ये चीज भी आपको अकबर के दौरान आर्किटेक्चर के अंदर पता चलेगी। दूसरी, अकबर की जब हम लोग आर्किटेक्चर की बात करते हैं तो आपको फतेहपुर सीकरी के अंदर एक और मॉन्यूमेंट मिलता है, वो है आपका जोधाबाई का पैलेस। कौन सा है? जोधाबाई का पैलेस। और कहते हैं कि अकबर यूज्ड टू हैव गुड रिलेशंस विद द राजपूत्स एंड ही मैरिड अ राजपूत क्वीन कॉल्ड एज जोधाबाई। ये बहुत ही कॉन्ट्रोवर्शियल इश्यू है, बट अभी तक एनसीईआरटी से लेके ज्यादातर जितनी भी आपकी आर्ट एंड कल्चर की बुक है उसके अंदर ये चीज लिखी गई है। तो एग्जाम सेंट्रिक हम लोग देखेंगे, अगर हिस्टोरिकल अप्रोच चेंज होता है तो इसके ऊपर फिर आगे डिस्कस करेंगे फ्यूचर क्लासेस के अंदर, बट अभी हम लोग एक्सेप्ट करते हैं कि भाई चलो ये जो पैलेस है वो जोधाबाई का था। यहां पे भी आपको राजपूत आर्किटेक्चर का इन्फ्लुएंस मिलेगा, इंक्लूडिंग आपको यहां पे भी पर्शियन आर्किटेक्चर का इन्फ्लुएंस मिलता है। ये पर्शियन इन्फ्लुएंस आर्किटेक्चर का मतलब ये है कि यहां पे जो ईरानी स्थापत्य शैली है उसका कहीं ना कहीं प्रभाव आपको ये जोधाबाई के पैलेस के अंदर भी मिलता रहेगा। तो ये भी अकबर के आर्किटेक्चर की एक और खासियत देखने को मिलती रहती है। तो मैंने आपको समझाने की कोशिश की कि जब हम लोग मुगल आर्किटेक्चर की बात करते हैं तो मुगल आर्किटेक्चर में अकबर के दौरान बने इतने आर्किटेक्चर की जानकारी आपको होनी चाहिए। एक और मीनार है जिसका नाम है हिरन मीनार, ये अकबर ने एक एलिफेंट था उसकी याद में बनाया था, इन मेमोरी ऑफ एन एलिफेंट। ये जो मीनार है वो अकबर बनाएगा इन दी आगरा फतेहपुर सीकरी रीजन, समझ में आया आपको। दूसरा, एक और गेट भी बनाता है अकबर, एक गेट बनाता है और वो जो गेट था वो गेट के ऊपर, वो जो गेट था एक आगरा के अंदर गेट बनाया है अकबर ने। और ये गेट की खासियत ये थी कि अकबर ने इसके ऊपर दो फाइटर्स के जो मैं कहूंगा पेंटिंग है वो बनाए थे। ये पेंटिंग हुआ करते थे जयमाल और पट्टा के। ये जयमाल और पट्टा कौन हुआ करते थे? तो आपको पता होना चाहिए कि जयमाल एंड पट्टा वर दी राजपूत प्रिंसेस। कौन हुआ करते थे याद रखिएगा, जयमाल एंड पट्टा वर दी राजपूत प्रिंसेस। और कहा जाता है कि ये राजपूत प्रिंस ने, इनफैक्ट अकबर ने जब चित्तौड़ के ऊपर लड़ाई किया, किसके ऊपर बेटा? चित्तौड़ के ऊपर। अकबर ने बहुत सारे मनसबदार को भेजा था। कहते हैं कि जब चित्तौड़ के ऊपर आक्रमण किया तो उन दोनों ने बहुत शौर्यता से लड़ा था, दे शो द ग्रेट ब्रेवरी एंड टू कॉमेमोरेट द ब्रेवरी ऑफ द जयमाल एंड पट्टा अकबर विल बी मेकिंग देयर पेंटिंग्स और आई वुड से सम काइंड ऑफ इमेजेस ऑन आगरा गेट। ये भी अकबर की खासियत थी।
अकबर के दौरान और क्या बना? तो कहा जाता है कि वृंदावन के अंदर अकबर ने एक टेंपल भी बनाने की कोशिश की थी, और ये चीज दर्शाती है कि अकबर रिलीजन में उसकी जो आर्किटेक्चर है उसमें आपको ऑल टाइप्स ऑफ आर्किटेक्चर मिलेगा, और एक से ज्यादा प्रकार का आर्किटेक्चर अकबर बनाने की कोशिश करेगा बिटवीन द पीरियड ऑफ 1556 टू 1605 जब तक अकबर पावर के ऊपर था। इतना पॉइंट आपको अकबर के आर्किटेक्चर के बारे में पता होना चाहिए। अकबर के बाद नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर आगे चलेंगे और समझने की कोशिश करते हैं कि पोस्ट अकबर आर्किटेक्चर का क्या डेवलपमेंट हुआ। खैर, अकबर के दौरान चारबाग भी बनता है। ये जो चारबाग था मैंने आपको आगे अभी थोड़ी देर पहले समझाने की कोशिश की थी, और मैंने आपको बताया था कि जो हुमायूं का फोर्ट और वो सब जो था वहां पे आपका अकबर का चारबाग आर्किटेक्चर मिलेगा। ठीक है, अब देखिए आगे चलते हैं थोड़ा और समझते हैं जहांगीर के बारे में क्या हुआ। जहांगीर पावर में आया 1605 से लेके 1628 तक, एंड ड्यूरिंग हिज पीरियड द आर्किटेक्चर टुक अ बैक सीट। बैक सीट का मतलब क्या है? यू विल फाइंड कि जहांगीर के टाइम पे आर्किटेक्चर का ज्यादा उतना डेवलपमेंट नहीं हुआ, और उसके टाइम पे पेंटिंग्स का बहुत डेवलपमेंट हुआ। अब पेंटिंग्स कैसे बनते हैं उसको मैं नेक्स्ट क्लास के अंदर पढ़ाऊंगा, उसको अभी नहीं पढ़ा रहा हूं। कहते हैं कि ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ जहांगीर द आर्किटेक्चर डिड नॉट गॉट द डिजायर्ड आई वुड से आउटकम, और आर्किटेक्चर जो था उसको जितना चाहिए उतना सफलता नहीं मिला। पर जहांगीर के दौरान कहते हैं कि उसने अकबर का एक मकबरा बनाया नियर आगरा जिसका नाम है सिकंदरा। कौन सी जगह है बेटा? सिकंदरा। और कहते हैं कि जहांगीर ने जीते जी खुद का भी टॉम्ब बना दिया लाहौर के अंदर। सो यू कैन इमेजिन कि जहांगीर वॉज वन सच किंग जो खुद का टॉम्ब बना देता है और अकबर का भी टॉम्ब बना देता है सिकंदरा के अंदर। इफ यू कैन सी दिस फोटोग्राफ, अगर आप ये फोटोग्राफ को देख पा रहे होंगे तो आपको इसमें से एक जो फोटोग्राफ है वो सिकंदरा का फोटोग्राफ मिलेगा, और दूसरा जो फोटोग्राफ है वो अगर आप देखने की कोशिश करोगे तो आपको इत्मादुद्दौला का फोटोग्राफ मिलेगा जो एक टॉम्ब के रूप में था। तो आपको थोड़ी बहुत स्टोरी बताता हूं कि क्या हुआ। जहांगीर का ओरिजिनल नाम सलीम हुआ करता था, बट जब उसने पावर कैप्चर किया तो ही नेम्ड हिमसेल्फ एज जहांगीर, और जहांगीर ने शादी कर दी नूर जहां से। वो भी उसका ओरिजिनल नाम नहीं था बाय द वे। ठीक है, नूर जहां का ओरिजिनल नाम क्या था मुझे बताइएगा आपका कमेंट सेक्शन के अंदर, ये आपका क्वेश्चन है। और कहते हैं कि जहांगीर ने जब अकबर का टॉम्ब बनाया, कहां पे बनाया? सिकंदरा के अंदर उसका मकबरा बनाया, तो नूर जहां कहती है कि भाई आपने अपने फादर का जो टॉम्ब बनाया है तो मेरे फादर का टॉम्ब कौन बनाएगा? समझे कि नहीं समझे? अब हु वॉज इत्मादुद्दौला? इत्मादुद्दौला वॉज द वजीर ऑफ द जहांगीर। वो जहांगीर के एडमिनिस्ट्रेशन का वजीर था। एक्चुअली कहानी ये चलती है कि जहांगीर बहुत ही वीक किंग था पॉलिटिकली, और नूर जहां ने टाइटल अज्यूम किया था पातशाह बेगम का। किसका बेटा? पातशाह बेगम का। कहते हैं कि बाय अज्यूमिंग दिस टाइटल नूर जहां मेड श्योर दैट She will stay as the main ruler, और इसी के कारण जहांगीर का ज्यादा आपको political patronage या political concept में weakness दिखेगी। नूर जहां ने ही जहांगीर के administration में इत्मादुद्दौला को वजीर के रूप में बिठाया, और नूर जहां ने ही अपने brother को जहांगीर की army के अंदर chief बना दिया। समझ में आ रहा है आपको? उसको army chief बना दिया। ये सब परिस्थिति के कारण, बिकॉज ऑफ ऑल दिस चेंजेस वी कैन कंक्लूड दैट जहांगीर का पॉलिटिकल वो पकड़ था, या जहांगीर का वो पॉलिटिकल मैं कह सकता हूं कि जो एक होता है कोई राजा के रूप में आपका जो होल्ड होना चाहिए वो नहीं हो पाया। बिकॉज ऑफ दैट वो आर्किटेक्चर में ज्यादा नहीं कॉन्ट्रीब्यूट कर पाएगा। तो भी उसने अकबर का टॉम्ब बनाया सिकंदरा में, उसके बाद खुद का ही मकबरा बना दिया लाहौर के अंदर। मतलब आदमी जीते जी खुद का मकबरा बनाता है। मकबरा जनरली बनाया जाता है आफ्टर डेथ। जहांगीर ने जीते जी खुद का मकबरा बना दिया, उसको भरोसा नहीं था कि मेरे बाद कोई मेरा मकबरा बनाएगा कि नहीं बनाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? इंक्लूडिंग जहांगीर अगर आप देखेगा तो शालीमार बाग की भी रचना करेगा जो कश्मीर के अंदर है।
ये शालीमार बाग मैंने आपको बताया चार बाग आर्किटेक्चर का ही एग्जाम्पल मिलेगा। और ये शालीमार बाग का अगर आपको प्लान देखना हो तो ये प्लान आपको इस प्रकार से मिलेगा। ये जो बीच में आपको जो चीजें मिल रही है ये सब आपकी वाटर बॉडीज है, और ये वाटर बॉडीज के आजू बाजू में आपको बाग मिल रहा है, दैट इज नोन एज गार्डन मिल रहा है। समझे कि नहीं समझे? ये शालीमार बाग आपको अलग ही प्रकार की चीजें मिलेगी। ये श्रीनगर के अंदर है बाय द वे। इस प्रकार का आर्किटेक्चर आपको यहाँ पे जहांगीर के दौरान मिलता रहेगा। इंक्लूडिंग जहांगीर ने एक मोती मस्जिद की भी रचना की। ये मोती मस्जिद कहां पे है तो मैंने आपको बताया लाहौर के अंदर आपको ये मोती मस्जिद मिलेगा। तो जब हम लोग जहांगीर की बात करते हैं तो जहांगीर के दौरान आपको इतना आर्किटेक्चर मिला, एंड यू शुड नो दिस मच आर्किटेक्चर ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ जहांगीर। और पेंटिंग्स में काफी डेवलपमेंट होगा। जहांगीर ने गोल्ड कॉइन्स भी इशू कराए थे, और ये कॉइन्स के ऊपर एक साइड के ऊपर जहांगीर का खुद का फेस था, ये जहांगीर का खुद का केस था, और दूसरी साइड के ऊपर अगर आप देखोगे तो जो कॉइन्स की दूसरी बाजू थी वहां पे इनकी बेगम जो है उनका फेस मिलेगा, नूर जहां का फेस मिलेगा। और इसी से ही हमको समझ में आता है कि एज अ पार्ट ऑफ आर्किटेक्चर एंड द कल्चर द क्वीन यूज टू हैव सम काइंड ऑफ पॉलिटिकल पावर मोर देन द किंग। तो रानी का प्रभाव आर्किटेक्चर में आपको ज्यादा मिलेगा। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है कि इत्मादुद्दौला का जो टोम्ब है, ये इत्मादुद्दौला का जो टोम्ब है, ये वाला जो टोम्ब है ये इत्मादुद्दौला का है, और ये अकबर का टोम्ब है सिकंदरा के अंदर। यहां पे भी अगर आप देख पा रहे होगे तो आपको पीटराडूरा दिखेगा, पर पीटराडूरा का सबसे फाइनेस्ट एग्जाम्पल आपको इत्मादुद्दौला का टोम्ब के अंदर मिलेगा। कहते हैं कि इत्मादुद्दौला का जो टोम्ब है, द टोम्ब दैट इज बिलोंगिंग टू इत्मादुद्दौला, ये टोम्ब की खासियत यह है कि यहां पे आपको व्हाइट मार्बल का मैक्सिमम यूज हुआ है। और कहा जाता है इसके बाद व्हाइट मार्बल का यूज मुगल आर्किटेक्चर में बढ़ जाएगा। इसके पहले ऐसा होता था कि मुगल आर्किटेक्चर में व्हाइट मार्बल का यूज लिमिटेड था, मतलब अकबर ने व्हाइट मार्बल का यूज किया पर लिमिटेड किया। इसके दौरान आते आते बाय द पीरियड ऑफ इत्मादुद्दौला द यूज ऑफ व्हाइट मार्बल मैक्सिमाइज्ड, ये काफी बढ़ जाता है। एंड व्हेन द मैक्सिमाइजेशन ऑफ द व्हाइट मार्बल टुक प्लेस, वी फाइंड द ताजमहल, जो आपको बहुत बढ़िया प्रकार से मिलेगा। यहां पे भी अगर आप देख पा रहे होगे तो आपको पीटराडूरा मिलता है, और पीटराडूरा के साथ साथ इसके ऊपर भी आपको मीनार आर्किटेक्चर का एक बहुत ही शानदार नजारा देखने को मिल रहा होगा। ये सब चीजें दर्शाती है कि जहांगीर ने भी अकबर की आर्किटेक्चर की जो लेगेसी है वो कंटिन्यू की थी। दिस इज बाय द वे द शालीमार बाग जो कश्मीर के अंदर बनाया हुआ है, श्रीनगर के अंदर है। आपको मौका मिले तो जाइएगा, बहुत अद्भुत है। बीच में वहां पे एक म्यूजिकल शो का कंसर्ट भी हुआ था। ठीक है, जहांगीर का केस खत्म हुआ, जहांगीर के बाद जो आया वो आया शाहजहां। अरे भाई साहब, इनको पढ़ाने जाएंगे तो बहुत मजा आएगी। चलो 10 मिनट इनके ऊपर भी डिस्कस कर देते हैं। 1628 से लेके 1658 तक ये बंदा राजा के रूप में था, और इस दौरान इसका पॉलिटिकल कंसोलिडेशन काफी हो गया था। क्यों हुआ था? क्योंकि बाय दिस पीरियड, मैं आपको थोड़ा मुगल्स का मैप के द्वारा समझाने की कोशिश करता हूं, अगर आप देखिएगा तो इतना जो पीरियड है, ऑलमोस्ट इतना पीरियड मुगल्स के कंट्रोल में आ चुका था। और ये जो एरिया है, ये एरिया मुगल्स के कंट्रोल में जितना आएगा उतना ही अगर आप देखोगे तो पैसा भी मुगल्स के पास बढ़ेगा, और जितना पैसा मुगल्स के पास बढ़ता है उतना ही आर्किटेक्चर में राजा स्पेंड भी करता है। वो बात अलग थी कि राजा की तिजोरी खुद खाली हो गई थी, पर शौक बड़ी चीज है। राजा को लगता था कि भाई अपने कुछ बनाएंगे बड़ा वाला, तो राजा बना के ही छोड़ता था। शाहजहां के केस में भी यही हुआ, और शाहजहां ने भी अगर आप देखने की कोशिश करोगे तो बहुत ही अलग प्रकार से आर्किटेक्चर बनाए, जैसे ताजमहल बनाया, जैसे रेड फोर्ट बनाया, जैसे अगर आप देखोगे जमी मस्जिद बनाई दिल्ली के अंदर, दैट इज द बिगेस्ट मॉस्क इन इंडिया आई वुड से, इंक्लूडिंग शालीमार बाग बनाया लाहौर के अंदर,
और दिल्ली के अंदर उसने कैपिटल शिफ्ट भी किया, ही शिफ्टेड द कैपिटल एट दिल्ली, अगर आपको जानकारी होगी तो उसने राजधानी को वापस शिफ्ट भी कर दिया, इंक्लूडिंग पिकॉक थ्रोन उसने बनाया है। पिकॉक थ्रोन अगर आपको जानकारी होगी, एक बड़ी सी कुर्सी है गेम ऑफ थ्रोन के जैसी, और कहा जाता है कि ये जो चेयर है, ये चेयर को बनाने वाला जो राजा था वो शाहजहां था, इसके ऊपर बहुत अद्भुत प्रकार का डिजाइनिंग भी किया था उसने, इसके ऊपर बहुत ही अद्भुत प्रकार का डिजाइनिंग भी उसने किया था, गेटिंग माय पॉइंट नॉट। और ये जो पिकॉक थ्रोन है, इसको उठा के नादिर शाह लेके भाग जाता है अफगानिस्तान में, और आपके मुगल किंग्स थे मोहम्मद शाह रंगीला, नाम ही है रंगीला, याई रे जो लगा के नाचे रहे, हाँ वो कुछ नहीं कर पाया जब नादिर शाह उठा के लेके चला गया। ये 5-6 मॉन्यूमेंट्स शाहजहां बनाया गया। अब ये मॉन्यूमेंट्स के डिटेल में जाके आपको समझाता हूं कि ये मॉन्यूमेंट्स कैसे बने। शाहजहां की खासियत ये थी कि जो इसके पहले के मुगल राजा थे उन सब की स्टाइल को शाहजहां ने मिक्स किया और अपनी स्टाइल के अंदर बनाया। आगरा और दिल्ली जैसे रोल्स सिटीज को उसने फिर से रिडिफाइन किया, इंक्लूडिंग दीवाने आम और दीवाने खास जो मैंने आपको बताए वो शाहजहां ने बनाए थे आगरा फोर्ट के अंदर, और दिल्ली के अंदर जब उसने रेड फोर्ट बनाया वहां पे भी। शाहजहां की खासियत ये रही है कि उसने जो दीवाने आम और दीवाने खास बनाए वहां पे 40 पिलर के हॉल्स बनाए। 40 पिलर के हॉल्स का मतलब क्या है, वहां बड़े से हॉल्स बनते थे जहां पे आपको मैं कह सकता हूं कि 40 पिलर्स आपको देखने को मिलेंगे। ये शाहजहां के हॉल्स की खासियत ये थी कि वो मस्जिद की तरह दिखते थे, ये भी चीज आपको पता होनी चाहिए। शाहजहां की खासियत ये थी कि वो सोचता था कि राजा रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गॉड है, और इसके लिए उसने जो भी मॉस्क को बनाया है वो मॉस्क को भी उसी तरह से डिजाइन किया जहां पे लोग जब किबला के लिए नमाज पढ़ने जाते थे तो राजा का कहीं ना कहीं बीच में आपको इंटरफेरेंस दिख जाएगा। कहते हैं कि शाहजहां ने ताजमहल बनाया उसमें चार बाग आर्किटेक्चर का यूज किया है, पर शाहजहां का चार बाग आर्किटेक्चर थोड़ा अलग था, और ताजमहल की डिजाइन ऐसे की गई कि ताजमहल नाम का मॉन्यूमेंट कहीं साइड में है और जो गार्डन्स है वो गार्डन्स आपको दूसरी साइड में मिलेंगे। ये इसके लिए बनाया गया है क्योंकि ताजमहल के पीछे से जस्ट अगर आपको जानकारी होगी तो यमुना नदी निकलती है, और शाहजहां चाहता था कि मेरा जो ताजमहल है वो रिवर फेसिंग रहे। इसके लिए सामान्य रूप से जो मॉन्यूमेंट बीच में हो और उसके आजू बाजू में गार्डन हो वैसे सिस्टम शाहजहां ने नहीं की, और शाहजहां ने ताजमहल के मॉन्यूमेंट को उसकी जो प्लॉट की एक साइड थी वहां पे बनाया, जैसे आप यहां पे भी देख पा रहे होंगे, और उसके पीछे की एक साइड से आपकी यमुना नदी निकलती है वैसा डिजाइन किया है। ये ताजमहल के अंदर आपको पीटरा डूरा, चार बाग, वाटर बॉडी, आरबेस्क्यू डिजाइन सब कुछ मिल जाता है, मतलब वो है ना छोटे पैकेज में बड़ा धमाका है। ये पीटरा डूरा क्या है, तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था, कलरफुल स्टोन्स को चिपकाया जाता है, इंक्लूडिंग ताजमहल भी आपको रेज प्लेटफॉर्म के ऊपर मिलेगा। ये ताजमहल के अंदर भी आपको सिमेट्री मिलती है, सिमेट्री अगर आपको जानकारी होगी तो आप मॉन्यूमेंट को चारों एंगल से देखो आपको सेम ही दिखेगा, ये भी चीज आपको शाहजहां के दौरान मिलेगी। शाहजहां ने जो जमी मस्जिद बनाया वो जमी मस्जिद की खासियत ही ये थी कि वहां पे बहुत सारे लोग, मतलब 50,000 से 1,00,000 के आसपास लोग इकट्ठे होके रह सकते हैं, उतना बड़ा मॉन्यूमेंट उसने बनाने की कोशिश भी की थी। दूसरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, शाहजहां ने जो आगरा और दिल्ली का लेआउट बनाया वो थोड़ा अलग बनाया, और शाहजहां ने क्या किया कि आगरा के अंदर जो मॉन्यूमेंट्स बनाए और सिटी बनाया वहां पे प्लॉटिंग इस तरह से किया, तो नदी जा रही है, नदी के दोनों साइड के ऊपर शाहजहां के नोबल्स रहा करते थे। नोबल्स का मतलब क्या है, दी रॉयल ऑफिशियल्स यूज टू स्टे ऑन बोथ द साइड ऑफ द रिवर्स, एंड मैनी ऑफ द रॉयल ऑफिशियल्स वर हैविंग द रिवर फेसिंग प्लॉट्स। रिवर फेसिंग प्लॉट्स का मतलब यह होता है कि राजा ने जो घर बनाए हैं उसमें ज्यादातर नोबल्स को अगर आप देखोगे तो फ्रंट साइड का प्लॉटिंग देने की शुरुआत की। उसके सामने अगर आप दिल्ली की बात करोगे
तो दिल्ली के अंदर शाहजहां ने जो सिटी बनाया जिसका नाम है शाहजहांबाद, क्या नाम है? शाहजहांबाद। ये जो शाहजहांबाद नाम का जो सिटी है वो सिटी शाहजहां ने बनाया तो सही, बट वहां पे जो रिवर फेसिंग अप्रोच है, जो रिवर फेसिंग अप्रोच है बहुत ही लिमिटेड लोगों को दिया, और उनमें से एक लिमिटेड लोग कोई था तो शाहजहां का बेटा दारा सिको था, ये भी हमको बहुत सारी किताबें बताती हैं। ये याद रखिएगा, आगरा और दिल्ली को अलग तरह से डिजाइन किया गया है एज अ पार्ट ऑफ आर्किटेक्चर। बाय द वे, दिल्ली इज अ मिक्सचर ऑफ सेवन सिटीज। ये सेवन सिटीज में सबसे पहले इंद्रप्रस्थ नाम का सिटी था पांडवों के समय पे, उसके बाद राय पिठोरा बनाया पृथ्वीराज चौहान के टाइम पे या तोमर के टाइम पे, कुतुबुद्दीन ऐबक ने मेहरौली बनाया कुतुब मीनार, उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी ने वहां पे सीरी बनाया, मोहम्मद बिन गैसुद्दीन तुगलक ने तुगलकाबाद बनाया, मोहम्मद बिन तुगलक ने जहांपना बनाया, फिरोज शाह तुगलक ने फिरोजाबाद बनाया, हुमायूं ने दिनपना, शेर शाह सूरी ने उसका नाम बदल दिया। उसके बाद फाइनली अगर आप देखोगे तो लोधी रूलर्स ने भी वहां पे अपना डेवलपमेंट बनाने की शुरुआत की। शाहजहां ने वहां पे ओल्ड दिल्ली जो रेड फोर्ट वाला रीजन है वो बनाया शाहजहांबाद, और फाइनली मॉडर्न दिल्ली बनाया ब्रिटिशर्स ने, ल्यूटियंस दिल्ली, उसको मैं नेक्स्ट क्लास के अंदर कराऊंगा। तो इतना पॉइंट आपको शाहजहां का आर्किटेक्चर के बारे में पता होना चाहिए। शाहजहां का आर्किटेक्चर कंक्लूड हुआ। शाहजहां के बाद औरंगजेब आया। औरंगजेब के पास ना फाइनेंशियल पैसा था, ना मैं कहूंगा उसका इंटरेस्ट था, और इसके लिए शाहजहां के बाद औरंगजेब के टाइम पे ज्यादा मॉन्यूमेंट्स नहीं बनते हैं, याद रखिएगा। बट औरंगजेब का बेटा जब पावर के ऊपर आया मोहम्मद आजम शाह, या इन्हीं को ही शाह आलम वन कहते हैं, इन्होंने औरंगजेब की जो वाइफ थी जिसका नाम था बेगम रबिया दुरानी, उनके लिए एक मकबरा बनाया, नाम ही दिया बीवी का मकबरा। कैन यू सी दिस? दिस बीवी का मकबरा इज लोकेटेड इन महाराष्ट्र इन अ सिटी कॉल्ड एज औरंगाबाद, एंड कहा जा सकता है कि इट वॉज एन इमिटेशन ऑफ द ताजमहल। और ताजमहल को अगर टाइफॉइड हो जाए तो कुछ इस प्रकार की चीजें सिकुड़ जाएगी। यहां से हमको समझ में आता है कि काफी पैसा स्पेंड किया गया है। कहते हैं कि तब के 22 करोड़ रुपए ताजमहल के अंदर स्पेंड किए गए थे, और दो फॉरेनर्स कहते हैं, कौन फॉरेनर्स थे उनका नाम मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बताइएगा, कि जब शाहजहां ने इतने पैसे स्पेंड किए ताजमहल और जो मॉन्यूमेंट्स के अंदर, उस दौरान भारत के अंदर नॉर्थ इंडिया में फमाइन की कंडीशंस थी। फमाइन समझ में आता है, अकाल पड़ गया था, एक ऐसी परिस्थिति का सर्जन हो गया था जहां पे यू कैन सी कि एक मैं कह सकता हूं कि खाने पीने के वांदे पड़ गए थे। औरंगजेब तक आते आते और 1707 ऑनवर्ड से जो मॉन्यूमेंट्स बने उसमें बीवी का मकबरा इज द फाइनेस्ट एग्जाम्पल, बट यू कैन कंपेयर बोथ द केसेस वेयर दिस वॉज मेड आउट ऑफ मार्बल, दिस वॉज मेड आउट ऑफ लाइम स्टोन। यहां से ही आपका मटेरियल भी अलग हो गया, डिजाइन थोड़ी बहुत सिमिलर है, पर अगर आप देखेगा तो ये थोड़ा जर्जरित हो गया है, इट इज क्वाइट आउटडेटेड एज वेल। कारण इसका यही है कि ये काफी पुराना हो गया है, इट हैज बिकम ओल्डर, इट हैज बिकम रिडंडेंट आई वुड से। और ये इसी के कारण अगर आप देखेगा कि अभी भी इंपॉर्टेंट है, बट यहां से क्वेश्चन भी बन सकता है कि कंपेरेटिव एनालिसिस करिए कि इसका आर्किटेक्चर और उसके आर्किटेक्चर में क्यों फर्क हुआ। ठीक है, तो ये इमिटेशन लगता है पर थोड़ा डुप्लीकेट है, ये फर्स्ट कॉपी जैसा भी नहीं लगता है मुझे। चलिए आगे चलते हैं टू अंडरस्टैंड द मुगल आर्किटेक्चर, और इस तरह से मुगल आर्किटेक्चर खत्म होता है। मुगल्स के दौरान जो रीजनल किंग्स थे और जो रीजनल मैं कहूंगा कि किंगडम्स उभर के आ रहे थे, उन्होंने भी अपने आर्किटेक्चर बनाए। खास करके जब मुगल्स उस टाइम पे थे तब सिख गुरुओं का उद्भव हुआ था, और सिख गुरुओं में अगर आप देखोगे तो मैं कहूंगा गुरु अमरदास और गुरु रामदास, ये इनिशियली जो पहले 3-4 गुरु थे उनका मुगलों के साथ संबंध ठीक था, और इसी के कारण इनफैक्ट अकबर इनको लैंड भी गिफ्ट करता है ऐसा कहा जाता है। और उसके बाद इन्होंने गुरुद्वारा बनाई जिसे हरमंदिर साहिब का एग्जाम्पल देते हैं। कहते हैं कि पांचवें गुरु अर्जन देव तक आते आते
ये हर मंदिर साहिब की स्थापना की जाती है, बट इसके पहले का फाउंडेशन आपके तीसरे और चौथे नंबर के गुरु में होगा। और जो सिख आर्किटेक्चर है उसमें आपको यू प्रकार की छतरी मिलेगी, अगर आप देख रहे हो ये छतरी आपको मुगल्स में भी दिखेगी। और इसी के कारण सिख आर्किटेक्चर में वी फाइंड द इन्फ्लुएंस ऑफ द मुगल आर्किटेक्चर एज वेल, इंक्लूडिंग ये छतरी को कोट किया जाता था बाय द ब्रास कॉपर एंड द गोल्ड, जैसे हरमंदिर साहिब गोल्डन टेम्पल कहते हैं क्योंकि गोल्ड की कवरिंग से उसको पूरा का पूरा डिजाइन किया गया है। ये सब चीज भी दर्शाती है कि मुगल्स की आर्किटेक्चर की रीजनल आर्किटेक्चर में भी काफी प्रभाव था। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, राजपूत आर्किटेक्चर के ऊपर भी आपको मुगल्स आर्किटेक्चर की इंपैक्ट मिलेगी। और कहते हैं कि जो अकबर जैसे किंग्स थे जिन्होंने राजपूत आर्किटेक्चर और राजपूत राजाओं के साथ अच्छे संबंध बांधे, इसके लिए यहां का आर्किटेक्चर वहां गया, वहां का आर्किटेक्चर यहां आया। अकबर के आर्किटेक्चर में राजपूत स्टाइल का सबसे मेन इंपैक्ट आपको मिलेगा वो थी बालकनी। बालकनी अगर आपको जानकारी होगी तो इस प्रकार की हैंगिंग अगर आप देख रहे हो थोड़ा बहुत आपको दिखेगा, एक हैंगिंग आपको एक प्लेटफॉर्म मिलता है। जैसे मैं कह सकता हूँ ये आपका बिल्डिंग है, ये बिल्डिंग के आगे आपको एक कैंटिलीवर हैंगिंग पोर्शन मिल जाएगा जहां पे एक राजा आता था और ये राजा नीचे खड़ी जो पब्लिक है, जो जनता है, जो मैंगो पीपल है, उन सबके साथ वार्तालाप करता था, यूं हाथ करता था, बोले भाइयों बहनों समझ में आया कि नहीं आया। ये परिस्थिति के आधार के ऊपर ये जो हैंगिंग बालकनी है विच वॉज यूज फॉर द झरोका दर्शन, झरोका समझ में आता है, एक है ना एक चेहरा टाइप होता है कि भाई राजा आया पेश किया, ये भी चीजें आपको मिलती रहेगी। ये राजपूत आर्किटेक्चर की खासियत ये थी कि इनके आर्किटेक्चर की जो डिजाइन है, इनके आर्किटेक्चर की जो डिजाइन है वहां पे आर्क शेप में आपको दिखेगा। और कैसा दिखेगा कि जो बो आप जो है ना तीर कमान खींच रहे हो वैसा शेप दिख रहा है। अगर आप देखोगे तो ये शेप आपको बो एंड एरो शेप के अंदर दिखेगा। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, मन की आंखों से देखो। तो ये भी आपको राजपूत आर्किटेक्चर के अंदर मिलता रहेगा। ये बाय द वे हवा महल है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, राजपूत राजाओं के समय पे बना था। इतना पॉइंट मुगल आर्किटेक्चर के अंदर था। होपफुली मैंने आपको मुगल आर्किटेक्चर को जस्टिफाई करने की कोशिश की है, बहुत डिटेल में पढ़ाया है। आपको एक भी टॉपिक यहां से छूटना नहीं चाहिए अगर यहां से क्वेश्चन आया है तो। मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को मेरे कोर्सेस अच्छे लग रहे होंगे। आपके फीडबैक फॉर्म के अंदर हमको जरूर से बताइएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर अवेलेबल है फीडबैक फॉर्म की लिंक। आई वॉन्ट कि आप अच्छी तरह से हमको जो भी पसंद आ रहा है नहीं पसंद आ रहा है फीडबैक दीजिए, सो दैट इवन वी विल ट्राई टू इम्प्रोवाइज एंड विल ट्राई टू मेक श्योर कि आपको आगे लेके जाना है। अभी भी मैं कहूँगा मेरा बहुत ही जल्द एंशियंट एंड मिडिवल हिस्ट्री के ऊपर कोर्स आ रहा है ऑन द प्लस प्लेटफॉर्म, और मैं चाहूँगा कि आप मेरा कोड यूज़ कीजिए PN लाइव, और उसके बाद मेरे कोर्स को सब्सक्राइब कीजिएगा। मॉडर्न हिस्ट्री का कोर्स कंप्लीट हो गया है, वो आपने सब्सक्राइब किया तो आप उसके क्लासेस भी अटेंड कर पाओगे, आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी। 80 आवर्स के मॉडर्न हिस्ट्री के मेरे कोर्स के वहाँ के लेक्चर्स अवेलेबल है। एंशियंट मिडिवल का बहुत जल्द मैं मिड दिसंबर में कोर्स लॉन्च कर रहा हूँ। मैं चाहूँगा कि आप लोग जुड़िए हमारे साथ, हम लोग मिलकर करेंगे, साथ में करेंगे। लेट्स क्रैक इट टुगेदर। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। टिल देन कीप स्टडिंग।